So all right guys, welcome back to our new video. So I hope you all are good and doing well in your college. Okay, आपका first semester start हो चुका होगा, classes भी start हो चुके होंगे online mode में. Okay, so hi, this is me Tinkal Kumar from IIIT Pune. I am currently in second year. Okay, so इस video में basically discuss करूँगा मैं अपना journey, मैंने कैसे अपना first semester start किया, मैंने क्या क्या सीखे अभी तक. मैंने फर्स्ट एक साल कंप्लीट हो चुके हैं, अगर ईयर वाइज देखें तो वो थॉट तीन सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं अपने कॉलेज में, वो भी ऑनलाइन मोड में ही. और ईयरली की बात करें तो एक साल कंप्लीट हो चुके हैं. तो मैंने क्या क्या सीखे अपने कॉलेज से एक साल में, और क्या क्या आपको सीखना चाहिए, या मेरे गलतियों से आपको क्या सीखना चाहिए, आप इस अच्छे से समझ जाओ कि क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको मिस नहीं करनी चाहिए. ओके, और आप भी मेरे को सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में. ओके, जो भी आपको सही लगता है, कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. ओके, सो इस वीडियो में मैं बेसिकली स्टार्ट करूंगा मैंने कैसे अपना स्टार्ट किया था फर्स्ट सेमेस्टर, क्या क्या सीखा मेरे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिले थे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी तक क्या क्या सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ. ओके, सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, सो वीडियो को लास्ट तक देखना, और चाहो तो अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर सकते हो. ओके, एज यू विश. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो मैंने इसको काफ़ी पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर मतलब कि बेसिकली मैंने अभी तक क्या क्या स्किल्स सीखे हैं अपने कॉलेज से, या मैंने यूट्यूब से, या रिसोर्सेज जो भी हो सकते हैं, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, मैंने क्या क्या अभी तक सीखा है. फिर उसके बाद मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या CGPA थे, सेकंड सेमेस्टर में CGPA क्या थे, अभी तक मेरा CGPA क्या रहा है, फिर मैं मतलब मेरा कैसा CGPA था, कम था, ज़्यादा था, फिर कैसे मैंने इम्प्रूव किया, एवरीथिंग आई विल डिस्कस. ओके, सो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए भी, अगर आपका CGPA कम आता है डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा. ओके, फिर इसके बाद मैंने डिस्कस करूँगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए आपको कॉलेज में, फर्स्ट ईयर हो या फर्स्ट सेमेस्टर हो, मैटर नहीं करता है. ओके, क्योंकि आप भी कॉलेज में इंटरव्यू लिए होंगे, डेफिनेटली आप प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से ही आपका ओरिएंटेशन होगा, तो डेफिनेटली आपको वही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो मैं भी पढ़ रहा था अपने कॉलेज टाइम में. ओके, और फिर करेंटली मैं क्या अभी कर रहा हूँ, मतलब क्या चीज़ सीख रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा. सो स्टार्ट करते हैं. सो पहले मैं तो बता दूँ कि अभी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर मैंने क्या क्या सीखा. मैंने स्टार्टिंग में एक लैंग्वेज स्टार्ट किया था, आपको पता होगा मैंने C++ से स्टार्ट किया था, और C++ स्टार्टिंग में मेरे को सीखने में क्या प्रॉब्लम आया था ना, मेरे को प्रॉब्लम बस यही आया था कि मैं रिसोर्सेज जितने भी बहुत सारे रिसोर्सेज थे लाइक यूडेमी, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब, अपना कॉलेज का जो कॉलेज के जो टीचर पढ़ाते हैं वो प्रोफेसर, बहुत सारे रिसोर्सेज थे, मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था कि मैं कहाँ से सीखूँ. ओके, क्योंकि एक बात आप भी नोटिस करोगे कि जैसे हम लोग जेई टाइम पढ़ रहे थे तो हम लोग कॉलेज में हम लोग को स्कूल्स में या हम लोग जो कोचिंग करते थे वहाँ पे अच्छे से गाइड किया जाता था क्या आपको करना चाहिए, कौन से बुक फॉलो करना चाहिए, कितने क्वेश्चन क्या क्या बनाना चाहिए, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा था. बट अभी आप देखोगे ना अपने कॉलेज में तो ऐसा कुछ प्रोफेसर के द्वारा नहीं बताया जाएगा कि आप ये बुक फॉलो करो, इतने क्वेश्चन बताओ बनाओ, ये टॉपिक पढ़ो, ठीक है ना. वो लोग अपना आएंगे, पढ़ाएंगे, लेक्चर देंगे, चले जाएंगे, वो सारा आप पे छोड़ देंगे, आपको जो करना है करो, ठीक है ना. क्योंकि कॉलेज टाइम में ये हो जाता है ना, यहाँ पे कॉम्पिटिशन कम, अपने स्किल को ज़्यादा प्रायोरिटी देना होता है, ठीक है. तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो क्या करना चाहता है, समझ में आया ना. दैट्स वाई कॉलेज पूरा स्टूडेंट के ऊपर ही छोड़ देता है कि उसको जो करना है, जो भी उसका स्किल होगा, जो सीखना चाहता है, वो एक्सपोजर गेन कर सकता है. ऑलराइट, सो मेरे को उस टाइम अच्छे से पता नहीं चल पाया कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, तो मैं काफ़ी स्टार्टिंग में मैं कन्फ्यूज रहा कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ. ओके, तो काफ़ी मेरे को डाउट रहा. तो मेरे को मेरा दोस्त है, ठीक है, जो अभी IIT पलक्कड़ में है, एक साल मेरे सीनियर है, वो मेरे को काफ़ी अच्छे से गाइड किया. तो मैंने काफ़ी स्टिक होकर एक रिसोर्सेज को पकड़ा और मैंने C++ सीखा, ठीक है. और मैं भी आपको एडवाइस दूंगा कि आप चार जगह इधर उधर मत करना कि कहीं यहाँ सीखे कहीं वहाँ सीखे, ऐसे करने से आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बिल्कुल भी. ओके, तो आप एक ही जगह कहीं भी सीखो, आपको एक ही जगह सीखना है, ठीक है, और उसको पूरा कंप्लीट करना है. ऑलराइट, ये मैं एडवाइस दूंगा आपको कि आपको पूरा कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस आपको बनाते रहना है, ठीक है. तो मैंने C++ सीखा फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर उसके बाद मैंने DSA स्टार्ट किया. जैसे सेकंड सेमेस्टर में हम लोग कॉलेज में DSA पढ़ाया गया, डाटा स्ट्रक्चर, तो मैंने DSA स्टार्ट किया. ओके, फिर उसके बाद कॉलेज के साथ साथ DSA सीखता गया, फिर उसके बाद
कॉलेज खत्म होने के बाद ही मेरा डीएससी करा कि इतना जल्दी कंप्लीट हो नहीं सकता, कि ऑनलाइन में पता है कि सेमेस्टर जो होता है वो छोटा हो गया है, ठीक है, तो डीएससी तो अभी भी लर्न कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया सेकंड सेमेस्टर, जैसे ही एंड होने लगा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया तो मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करा, ठीक है। वेब डेवलपमेंट मैंने फ्रंट एंड करा, बैक एंड करा, तो ये काफ़ी थोड़ा अच्छा लगा। वेब डेवलपमेंट आप कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, कि मैंने प्रोजेक्ट बनाने के लिए वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। ओके, सो ये सारे स्किल मैंने सीखा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी करंटली मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, क्योंकि डीएसए एक बेसिक लेवल तक मैंने कर लिया था। ओके, फिर उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डेफिनेटली मैंने तो थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट कर दिया था, बट क्या हुआ ना, बीच में मैंने क्विट कर दिया था, मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम मैंने एक इंटर्नशिप करने लगा, तो उस टाइम मेरे से कोडिंग बीच में स्किप हो गया था। ओके, फिर उसके बाद मैंने फिर कंटिन्यू किया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, अभी मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। तो आई होप आने वाले 3-4 महीने के बाद मैं अपनी जर्नी भी डिस्कस करूँगा, कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैंने क्या किया, कहाँ तक मैं पहुँचा। ओके, एवरीथिंग आई विल डिस्कस, सो डोंट वरी, अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, आई विल शेयर एवरीथिंग। ओके, फिर मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रेड जो CGPA होता है ना, आप लोग, मैं एडवाइस दूंगा कि ऑनलाइन मोड है तो आप लोग CGPA काफ़ी ध्यान देना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर मैंने CGPA पे ध्यान नहीं दिया था। ओके, क्योंकि CGPA मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी कम हो गया था। ओके, बट टिल नाउ थर्ड सेमेस्टर आते आते मेरा CGPA अप्रोक्स 8 के आसपास आ गया है। ओके, सो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ कि आप CGPA काफ़ी ध्यान देना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में CGPA इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये स्कूल नहीं है ना, यहाँ कॉलेज में रिलेटिव ग्रेडिंग होता है, और ऊपर से ऑनलाइन मोड है, तो ऑनलाइन मोड में नंबर काफ़ी अच्छे से आ जाते हैं, आपको पता है कैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको भी लाना पड़ेगा, अगर नहीं लाओगे तो डेफिनेटली, अगर आपके आसपास जैसे मान लेते हैं हाईएस्ट 90 है, ठीक है, और आपका 80 है, तो भी हो सकता है कि आपको सी ग्रेड मिल जाए, समझ में आ रहा है, ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, ठीक है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा आपको डिग्रेड करेगा, कॉन्फिडेंस भी लूज करेगा, CGPA भी कम होगा। ओके, और डेफिनेटली ये इफेक्ट करेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो एक डिसेंट CGPA 7.5 प्लस रखना जरूरी होता है, सो आप भी अपना CGPA 7.5 प्लस, एटलीस्ट 7.5 प्लस रखो, ठीक है। 7 भी प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 7.5-8 रहेगा तो काफ़ी बढ़िया, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो डिसेंट CGPA स्टार्टिंग से ही मेंटेन रखोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर सेकंड सेमेस्टर में मैंने अपना CGPA काफ़ी अच्छे से बूस्ट किया, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में तो काफ़ी अच्छा हो गया, अभी तो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है हम लोग का, बट लगभग आसपास 8 के करीब आ जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है मेरा, देखते हैं क्या होता है, आई विल शेयर विद यू कितना है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ये टॉपिक हो सकता है कंसर्ट कि मैंने CGPA अपना कैसे इंक्रीज किया, क्योंकि ये मैंने बहुत लोगों को सुना था कि फर्स्ट सेमेस्टर में जितने CGPA आते हैं उससे या तो कम ही आते हैं, उसी के आसपास आते हैं आने वाले सेमेस्टर में, बट ऐसा नहीं हुआ, मेरे हमेशा CGPA बढ़ते गया, ठीक है। और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में भी अच्छा गया पेपर, तो डेफिनेटली अच्छा आएगा, ठीक है। सो आई विल बी शेयर विथ यू, सो डोंट वरी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, फिर उसके बाद विच सब्जेक्ट यू हैव टू स्टडी इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ओके, और थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर। ओके, सो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि आप पहली प्रायोरिटी एक लैंग्वेज सीखने पे दो, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो, ठीक है, और अगर आप कोर ब्रांचेस को लाइक मैकेनिकल से मिल, तो आप अपने कोर सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराइट, जैसे कि आपके अगर आप कंप्यूटर साइंस ईसी ब्रांच को, तो डेफिनेटली कोई एक लैंग्वेज पकड़ो, मैं C++ किया था, आप भी कर सकते हो, या डेफिनेटली आप C से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज अच्छे से सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक लैंग्वेज सीख लोगे ना, तो फिर आपका जो कोडिंग स्किल होता है ना, काफ़ी अच्छे से डेवलप होने लगता है, समझ में आ रहा है, आप चीज़ों को सोच पा रहे हो, कंप्यूटर में कोड कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो मैंने एक लैंग्वेज सीखा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये सारे प्लेसमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप साइड बाय साइड बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो बहुत बेकार होंगे, आपको इंटरेस्ट भी नहीं होगा, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको CGPA अच्छा लाना है, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंटल आ जाएगा एक सब्जेक्ट है, बहुत सारे ह्यूमैनिटी टाइप का है, अंग्रेजी भी आ जाएगा आपको पढ़ने के लिए, तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही रहेंगे, उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा, वैसे इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फिर सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, जिससे आपको एक माइंड में, आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चला जाए कि हाँ, मेरे को ये चीज़ें अच्छे से करनी है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो चीटिंग करके भी नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना, तो आपको पता होगा अच्छे से कैसे होता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया, मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की,
क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस किया था और क्या मेरे CGPA रहे थे, कैसे मैंने इंक्रीज किया. ओके, सो CGPA के ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा और सेमेस्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर भी मैंने अलग वीडियो बना दूंगा. सो वो आप देख कर अच्छे समझ जाओगे. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. सो डेफिनेटली इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो लाइक द वीडियोज. ओके, एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स इन योर कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.